अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आज बनाएंगे बहुत ही सिंपल एग मायो सैंडविच। एग मायो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसके किनारे मैंने जो है निकाल दिए हैं, कट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये किनारे जो है आप रख भी सकते हैं, उसके साथ भी ये सैंडविच अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगर निकाल देते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और आप किनारे निकाल कर उसका जो है ब्रेड क्रम बनाकर भी रख सकते हैं, तो वो वेस्ट नहीं होगा। एनीवे, दो मीडियम साइज़ के बॉइल्ड अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पर, जिसको मैंने अच्छे से बारीक अभी यहाँ पर चॉप कर लेना है। 1 टेबल स्पून मैंने बारीक हरा धनिया कट कर लिया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, ये फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ली है, या चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मायोनीज लेना है। ये सिर्फ इतनी ही चीजें इस्तेमाल होंगी और दो अच्छे से बढ़िया से सैंडविच बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये अंडा आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे बारीक एकदम चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक किया है। और अगर बारीक नहीं है तो मैं इसको स्पून से और कर दूंगी, ताकि एकदम छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएं, बिल्कुल छोटे छोटे से महीन से टुकड़े हो जाने चाहिए। अब उसके बाद जो है इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर देना है, जैसे कि ये हरा धनिया है, ये ब्लैक पेपर है और रेड चिली है। वो सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर ये मायनीज डालना है, जैसे कि मैंने बताया 2 टेबलस्पून मायनीज डालना है इसके अंदर। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये कम है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें एक जार मुन जानी चाहिए और मायनीज के साथ जो है पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी चीज़ जो है साथ अलग से छूटनी नहीं चाहिए, मतलब मायनीज जो है इसके अंदर बाइंडिंग का काम करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया, ये देखिए, ये ऐसा हो जाना चाहिए। मैंने इसके अंदर नमक बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि मायनीज में अपना खुद का काफ़ी नमक होता है, लेकिन अगर आपको कम लगे या आपको और ज़्यादा नमक खाने की आदत है तो आप एक्स्ट्रा इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद मैंने ये दोनों ब्रेड के स्लाइसेस यहाँ रखे हैं और उसके ऊपर मैंने ये 1/2 1/2 डाल देना है। घबराइए नहीं, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ये इसके ऊपर डालना है सही से। अब उसके बाद हमने इसको हल्का सा फैलाना है, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्का सा फैलाना है, जब ऊपर ब्रेड रखेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर। और उसके बाद हमने ये ब्रेड इसके ऊपर लगाकर इसको हल्के हाथ से दबाना है और ये हमारे सैंडविच तैयार हैं। अब जो है मैं ये सैंडविच को कट कर लेती हूँ बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि अंदर उसके जो है वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड सा है, सो बहुत हल्के हाथ से मैंने बस छुरी ऐसे ही घुमा घुमा के इसको कट कर लेना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा छुरी पर लगा नहीं है, इसका मतलब है कि सैंडविच सही से कट गया है। ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा एग मायो सैंडविच खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने बहुत आसानी की वजह से ही बनाया है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, सिर्फ अंडे बॉईल करना है, बस उतना काम है, मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो है हम सैंडविच ये खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन होता है, टेस्ट अच्छा होता है और काम जो है बिल्कुल भी नहीं है। ये आसान लेकिन मज़ेदार एग मायो सैंडविच आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।